फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार एक चाइना का राजा सी, उन्हें सोचा कि अपने बेटे नू मैं अपना सिंघासन देवा। पर उस तो पहला उदो रवाज सीगा कि उन्होंने जिवें अपने गुरुकुल च भेजते सी, उन्होंने जैन मास्टर्स होंदे सीगे। राजे ने भी जैन मास्टर को अपने बेटे नू भेजा कि तू उतों जो कुछ भी सीखना सीख के आ, एक परफेक्ट राजे दी गुण तेरे च आउणगे, तां मैं तैनू सिंघासन दऊंगा। उन्हों भेज दिता गया। जैन मास्टर कहिंदा ठीक है, भी तू एक साल जाके जंगल च रह, उस तो बाद मेरे को आई, तो फिर आपां मैं देखूंगा कि की करना है। राजकुमार गया जंगल च, साल रहा, वापस आया जदों जैन मास्टर को, तो जैन मास्टर ने पूछा भी तू की देखिया, की सुनिया उत्थे, की सुनिया? वो कहिंदा मास्टर मैं पत्तियां दी खड़ खड़, झरने दी आवाज़ा, जो भी नेचर च हुंदे आ, जानवरां दी आवाज़ा, चिड़िया दी आवाज़ा, अलग अलग सारियां, कहिंदा मैं वो सारा कुछ सुनिया। कहिंदा होर की सुनिया? कहिंदा होर तो मैं बस जो सुनिया सी मैं तुहानू दसता। कहिंदा नहीं, तू फिर जा जंगल च। फिर जांदा, साल फिर ला के आउंदा है, पर उनू कुछ नवां सुणदा नहीं। कहिंदा मास्टर जी मैंने तो उही गल्लां उही आवाज़ा सुनिया जो मैं तुहानू पहलां दस चुकिया। कहिंदा नहीं, तू फिर जा। राजकुमार नूं ऐ होया कि मैं वार वार मैनू इसे काम पिछे भेज रहे, उही आवाज़ा मैं सुनदा, मैं बड़े ध्यान नाल सुनिया, हुण की होगा? अनमना जा वो फिर चला गया जंगल च, क्योंकि गुरु सी उहदी गल मननी सी। हुण उहने जाके उहनूं लग्या कि शायद मैं ध्यान च बैठा, कि मैं शायद कुछ होर सुन सकां। तो उन्हों अचंबा होया कि उन्हों होर बहुत सारिया नवी आवाज़ा सुनन मिलिया जो उन्हें ध्यान दिता प्रॉपरली। साल बाद फिर जो वापस आया, जैन मास्टर कहिंदे हुण दस की सुनिया? कहिंदा बहुत अजीब गल है कि मैनू बहुत सारिया नवी आवाज़ा सुनन मिलिया। कहिंदे की? कहिंदे मैं ध्यान च बैठा जो मैनू जो किरणा सूरज दियाँ धरती दे टकराउंदियां उन्हां दी आवाज़, जे कोई कली चटकदी सी तां उहदी आवाज़, बारिश दी जिहड़ियां बूंदां सी उन्हां दी आवाज़, बहुत सारिया आवाज़ा उन्हें सारिया सुनाइया मास्टर को। कहिंदा ठीक है, हुण तू राजा बनने दे काबल है। वो राजे कोल गया ते कहिंदा हुण तुसी इहनू बना सकते हो राजा, ही इज़ परफेक्ट नाउ। वो राजकुमार ने पूछा, कहिंदा भी पहला भी मैं तुहानू आवाज़ा उही आवाज़ा तुहानू फेर दसी? कहिंदा नहीं, तू पहला वो सुनिया जो सारिया नू सुनदियां, तीसरे साल च तू वो सुनिया जिहड़ियां अणसुणियां आवाज़ां तू सुनिया, जिहड़ियां आम बंदा हर किसी नू नहीं सुनदियां। सो कहण दा मतलब यह है कि एक राजा दा या एक हैड ऑफ द स्टेट या हैड ऑफ द फैमिली या हैड ऑफ एनी प्ले एनी इंस्टीट्यूट और समथिंग, ही और शी शुड बी दैट परफेक्ट कि उन्हों अणसुणियां गल्लां सुन जिहड़े गल्लां बंदा बोल रहा है वह तो तुसी सुन ही रहे हो, जिहड़ियां अणसुणियां गल्लां जे तुसी उहदे च केपेबल हो सुनने च, दैन यू आर सक्सैसफुल एज अ लीडर। सो वह गल्लां सुनने की कोशिश करो इन योर फैमिली जो कोई कह नहीं रहा, अगले दियां अखां पढ़नियां, अगले दे एक्सप्रैशनस पढ़ने, फेस एक्सप्रैशनस देखने, अगले की बॉडी लैंग्वेज देखनी, वह सीखो। और जो तुसी वह सीख जाते हो, दैन यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग फॉर अ फैमिली और परफेक्ट लीडर फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंट्री, फॉर योर स्टेट, वट एवर इट इज़। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, बी हैप्पी, लेट अदर्स बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड ऑलवेज़।